ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म पद्मावत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत को लेकर हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन इसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई राज्यों में जगह जगह पर फिल्म के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। करणी सेना के लोगों का कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो वो आंदोलन करेंगे। करणी सेना वालों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले चार राज्यों पर लगे बैन को हटा दिया था। 25 जनवरी को पद्मावत पूरे देश में रिलीज होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी करणी सेना का विरोध प्रदर्शन थमा नहीं। तीन शहरों की आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, रायपुर। जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करणी सेना का लगातार जारी है और वो कह रहे हैं कि 25 तारीख अगर फिल्म रिलीज होती है तो जनता कर्फ्यू लगाएंगे, जनता आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये प्रमोद जोशी है, इसको हम राजस्थान में कोई कीमत में नहीं घुसने देंगे, इसका पूरा विरोध करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के जहां भी ये जाएगा इसका हम पीछा करके पूरा विरोध करेंगे। प्रमोद जोशी को राजस्थान में नहीं घुसने देंगे, चाहे कोई फेस्टिवल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय डिसीजन दिया है वो हमारे पास अभी आया नहीं है, वो आ जाता है उसके बाद उस पर मंथन करके हम राष्ट्रपति के जाएंगे, रिव्यू कमेटी में जाएंगे और इस फिल्म को हम नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं मानता हूं इसने गुमराह किया होगा 1000%, नहीं वरना सुप्रीम कोर्ट 12 घंटे के अंदर ऐसा डिसीजन नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, लेकिन इस फिल्म में हमारे राजपूत कुल की मर्यादा का जो हनन किया गया है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और अभी भी जो हमारी लड़ाई है अब वो ज्यादा तेज हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। तो हम ये दरख्वास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि एक बार वापस इस पे सुनवाई की जाए और हमारी जो जन भावनाएं इससे जुड़ी हुई है उसको देखते हुए वापस कोई फैसला ऐसा दिया जाए जिससे हमारी जन भावनाएं आहत ना हो।